हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आपसे बस कहना चाहेंगे, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का चैप्टर 20, जो कि सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक डिफाइन किया गया। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि इसका एक शॉर्ट व्यू हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक कैसे याद किए जाएँ। इसके लिए हम आपको एक नज़र में ये सेक्शंस दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर जो चैप्टर 20 है, 20 रिलेटेड है मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण, यानी ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक डिफाइन किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 251 में क्या दिया हुआ है। सब टेंसेस ऑफ एक्यूशन टू बी स्टेटेड, अभियोग का सारांश बताया जाना, सेक्शन 251 प्रोविजन कर रहा है। सेक्शन 252 में जरा ध्यान दीजिएगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। सेक्शन 253 में जरा ध्यान दीजिएगा, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पैटी केसेस, छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। सेक्शन 254 में ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए। सेक्शन 255 में एक्विटल और कन्विक्शन, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में प्रोविजंस किया गया। सेक्शन 256 पर एक नज़र डालते हैं, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, प्रवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु। सेक्शन 257 में विड्रावल ऑफ कंप्लेनेंट, परिवाद को वापस लेना। सेक्शन 258 में पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। सेक्शन 259 में ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इंटू वारंट केसेस, समन मामलों को वारंट मामलों में सम परिवर्तन करने की न्यायालय की शक्ति। तो ये जो सेक्शन आपने अभी देखे यहाँ पर 251 से लेकर के 259 तक, ये चैप्टर 20 जो कंप्लीट हुआ है, इसके बाद इसका जो 1 बाई 1 सेक्शन है वो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और जल्दी ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको बस लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपकी सुरक्षा के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी सभी आपकी सुरक्षा के ऊपर ही डिपेंड है। तो निवेदन यही कि लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।